हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐमन खान और रेहान खान के दरमियान में जंग छिड़ गई है। ऐमन खान और रेहान खान ने एक दूसरे को न जाने क्या कुछ कह डाला है। इसी दौरान मिशी खान भी इस मैदान जंग में उतर गई हैं। बाकी तमाम तफसीलात बताई जाएंगी आपको इस वीडियो में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान दो पार्टीज में बढ़ चुका है और एक पार्टी इमरान खान की तरफ है, दूसरी शहबाज शरीफ की तरफ है। कई एक्ट्रेसेस इमरान खान की पोस्ट शेयर करते हुए उनसे इजहार मोहब्बत कर रही हैं। कई सेलिब्रिटीज भी ऐसी ऐसी पोस्ट शेयर कर रहे हैं जिसको देख कर तमाम तर लोग उनके फैन होते जा रहे हैं। डर गए क्या? ऐमन खान और मनीष भट्ट हमेशा इमरान खान की स्पोर्ट में दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि इमरान खान ही बहुत ही अच्छे वजीर आजम हैं और उन्हें अपनी सीट से नहीं उठना चाहिए था। ऐमन खान ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि रेहान खान ग्रेसलेस एक्स हैं। रेहान खान हैरान परेशान रह गई कि तमाम तो फैंस इमरान खान से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनका कहना था कि आप लोग जो तरीके इंसाफ के मम्मी डैडी सपोर्टर्स हैं, आप लोग जो इमरान खान के जाने पर इतना ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, अगर यही एहतजाज आपने कश्मीरियों के लिए किया होता तो क्या ही बात होती। इसी दौरान ना सिर्फ शोबिज इंडस्ट्री के बाकी सेलिब्रिटीज ने इन्हें बुरा भला कहा है, बल्कि मिशी खान भी मैदान जंग में उतर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मैंने रेहान खान साहिबा का एक ट्वीट पढ़ा जिसमें वो कह रही हैं कि ये जो मम्मी डैडी अदाकार हैं, ये इमरान खान की हुकूमत जाने पर जो एहतजाज कर रहे हैं, यही एहतजाज अगर ये कश्मीर के लिए करते तो क्या ही बात थी। तो आप कर लेती ना, आप किस बात का वेट कर रही हैं? आप हमें जो डिक्टेशन देती हैं हर दफ़ा आके, तो आप कर लेती, लेकिन आप तो टू बिजी थी बीबीसी पे वेदर रिपोर्ट देने में, सालसा स्टेप्स सिखाने में, वेस्टर्न तर्ज की लाइफस्टाइल जीने में। अब आपने सर पे दुपट्टा ले लिया तो आपको कश्मीर याद आ गया है। हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर याद है और हम उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द एक्टर्स फ्रटर्निटी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें पूरा राइट है कि हम किसको सपोर्ट करें किसको ना करें। आप जो है पाकिस्तान तशरीफ ला चुकी हैं और अब आप ट्र करके स्पीडी गंजालेस की तरह कभी नेशनल असेंबली पहुँच जाती हैं फ़ोन लेके, जो कि अलाउड नहीं है, उल्टी सीधी वीडियोज़ बनाती हैं। तो आप अपना काम करें और हमें अपना करने दें। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको ये सब जान के कैसा लगा है मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।